नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। ब्लूबेरी का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। ये एक तरह का फल है जो हमें गर्मियों में अक्सर दिखाई पड़ता है। ये थोड़ा काले रंग का होता है। आज हम आपको इसके फायदे और नुकसान दोनों बताएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। ब्लूबेरी एक नीले रंग का पाए जाने वाला फल है। ये अक्सर गर्मियों में देखने को मिलता है। ब्लूबेरी की गर्मियों में बाजारों में भरमार होती है। ब्लूबेरी खाने में थोड़ी खट्टी मीठी और स्वाद से भरी होती है। इसकी पैदावार उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया और साउथ अफ्रीका, जर्मनी के साथ साथ कई देशों में होती है। ब्लूबेरी भी दो अलग अलग तरीके की पाई जाती है, एक रैबिट आई और दूसरी हाइवस प्रजाति की। आपको बता दें कि ब्लूबेरी में औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ब्लूबेरी का सेवन करने से तंत्रिका से जुड़ी सभी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। ब्लूबेरी में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। ब्लूबेरी में विटामिन सी, ए, बी, ई होता है, जिससे शरीर को मजबूती मिलती है। ब्लूबेरी फल में पर्याप्त मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, जो कब्ज को होने से रोकता है। साथ ही इसमें मौजूद विटामिन, सोडियम, तांबा, फ्रुक्टोज और एसिड पाचन में सुधार करने में मदद करता है और पाचन तंत्र को मजबूत भी बनाता है। ब्लूबेरी का सेवन करने से व्यक्ति की याददाश्त तेज रहती है, साथ ही शरीर की पाचन क्रिया भी मजबूत रहती। एक रिसर्च में पाया गया है कि कैंसर से पीड़ित लोग अगर ब्लूबेरी का सेवन करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप बढ़ती उम्र से परेशान हैं तो ब्लूबेरी खाने से फायदा मिल सकता है। आपको बताते चले कि ब्लूबेरी के इस्तेमाल से आंखों से जुड़ी बीमारियों में निजात पाया जा सकता है। मोटापा और बढ़ता वजन से हर कोई परेशान है। इस समस्या से निजात पाने के लिए ब्लूबेरी का सेवन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इसमें एंथोसाइनिन नामक यौगिक पाया जाता है। ये यौगिक बढ़ते हुए वजन को नियंत्रित करने के साथ साथ ही वजन को कम करने में आपकी मदद करता है। अब हम बात करेंगे हृदय की समस्या की, तो उसको दूर करने के लिए ब्लूबेरी का इस्तेमाल बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। ब्लूबेरी में पॉलीफेनॉल्स का अच्छा स्रोत माना गया है। पॉलीफेनॉल्स हृदय संबंधी समस्याओं से आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एंथोसाइनिन और फाइबर जैसे अन्य पोषक तत्व भी मौजूद, जो कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और ग्लूकोज के स्तर में सुधार करने में सक्षम होते हैं। आपको बता दें कि कुछ लोगों को इससे एलर्जी की समस्या भी उत्पन्न होती, जैसे खुजली, सूजन और सांस लेने में कठिनाई। लिहाजा अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, तो पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें, फिर इसका सेवन करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे हम आपको ऐसी ही सेहत से जुड़ी चीजों के बारे में बताते रहेंगे, जिससे आप उनका सेवन करके सेहतमंद रह सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो